अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे वेलकम टू माई चैनल फ्रेगरेंस रिव्यूज़ पाकिस्तान और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक फ्रेगरेंस को फ्रॉम द हाउस लताफा और फ्रेगरेंस का नाम है नजदिया नजदिया बड़ी हाई फ्रेगरेंस है लताफा की और बड़ी वेल नोन फ्रेगरेंस है तो नजदिया के बारे में अगर हम बात करें तो मेरे पास जो इसका वेरिएंट है ये ई वेरिएंट है और ई डी पी कंसनट्रेशन के साथ है लताफा है बड़ी अच्छी सी स्मार्ट सी डिसेंट सी इसकी बॉटल है और हंड्रेड एम एल की बॉटल है अच्छा इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसके जो नोट्स हैं उसमें एप्पल है लेमन है लेमन ग्रास है वुड है वुड है टोबैको है एम्बर है मस्क है सिनेमन है तो ये सारे जो है ना इसके नोट्स हैं और लताफा की जो नजदिया फ्रेग्रेंस है ना इसके अंदर बड़ी डिस्टिंग सी वाइब है उसकी इन एक्वा की पेको रब्बान का आई थिंक मैंने उसका रिव्यू किया हुआ पेको रबान इन विकटस एक्वा का तो इसके अंदर बड़ी डिस्टिट सी वाइब है पेको रब्बान इनविकटस एक्वा की लेकिन उसके मुकाबले में ये थोड़ा ज़्यादा ग्रीनिश है लेस स्वीट है लेस बबल गमी सा है लेकिन ये कि उसके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा ग्रीनिश सा है परफॉर्मेंस uh, इसकी बहुत अच्छी है अः uh, मेरे अः uh, मैंने जब इसको एक्सपीरियंस किया है मैंने इसको वियर किया है तो ऑलमोस्ट ट्वेल्व टू फोर्टीन आवर्स जो है ना वो इसकी लास्टिंग है और प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा करता है बहुत अच्छा बहुत स्मूथ किस्म का ब्लेंड है इसके अंदर इसके जितने भी जो नोट्स हैं उनका बहुत अच्छा बहुत स्मूथ किस्म का ब्लेंड है बहुत एक मैं कहूंगा आपको कि एक बड़ी यूथफुल सी फ्रेग्रेंस है बड़ी टीनेजर किस्म की फ्रेग्रेंस है ये ट uh, जो हैं वो इसको बहुत इन्जॉय कर सकते हैं और uh, काफ़ी उनको मज़ा आएगा अगर वो ये फ्रेगरेंस यूज करें बिसाइड्स दिस कि ये एक एकटिक फ्रेगरेंस है तो ये uh, बड़ी फ्रेश सी फ्रेगरेंस होगी लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल ये थोड़ी वार्म स्पाइसी सी फ्रेगरेंस है सिनेमन uh, का जो नोट है वो इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसीनेस ऐड करता है और uh, जो टोबैको का इसके अंदर नोट है वो इसको थोड़ा सा स्मोकी सा करता है और थोड़ा सा वार्म इसके अंदर फील देता है तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा इसका जो है ना वो नोट्स का ब्लेंड है बड़ा स्मूथ किस्म का इसका नोट्स का ब्लेंड है तो ओवरऑल ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी ऑलमोस्ट फोर थाउजेंड टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड की रेंज में ये फ्रेग्रेंस है लेकिन बहुत अच्छी है लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है प्रोजेक्शन इसकी बहुत अच्छी है और बड़ी इंजॉयबल फ्रेगरेंस है मैं आपको फिर कहूँगी ये बड़ी यूथफुल किस्म की फ्रेगरेंस है ऑल सीजन राउंड ऑल ईयर राउंड फ्रेगरेंस है आप किसी भी सीजन में इसको बियर कर सकते हैं ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ समर्स में लगाएं तो आप इसको विंटर्स में नहीं यूज करेंगे आप इसको विंटर्स में भी उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप इसको समर्स में यूज करते हैं अब दूसरी बात रही कि भाई लोग ये कहते हैं कि फ्रेगरेंस आप कहते हैं कि इतनी जो है वो लास्ट करती है इतनी अब अगर आप कपड़ों पे लगाएं तो उसकी परफॉर्मेंस और होती है लेकिन अगर आप फ्रेग्रेंस को स्किन वगैरह पे यूज करते हैं तो उसकी फ्रेग्रेंस और होती है वो हर इंसान की स्किन की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है हर इंसान की स्किन की केमिस्ट्री डिफरेंट होती है अगर मैं अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करूंगा हो सकता है मेरी स्किन पे ये एट टू ट्वेल्व आवर्स लास्ट करे हो सकता है आप अपनी स्किन पे अगर इसको अप्लाई करें तो वो विद इन एन आवर जो है वो फ्रेग्रेंस फेड हो जाए वो आपकी स्किन की केमिस्ट्री है मेरी स्किन की केमिस्ट्री ये सारी डिफरेंट है हर स्किन पे हर फ्रेग्रेंस डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट करती है एक तरीके से नहीं करती एनी ओ मैं फ्रेगरेंस ज़्यादातर क्लोथ्स पे लगाता हूँ मैं मेरी स्किन चूंकि बहुत सेंसिटिव है तो मैं फ्रेगरेंस को कोशिश करता हूँ कि स्किन पे ना लगाऊँ uh, मैं ज्यादातर क्लोथ्स पे ही फ्रेगरेंस को यूज़ करता हूँ और मोस्टली लोग जो है वो क्लोथ्स के ऊपर ही फ्रेगरेंस को यूज़ करते हैं स्किन पर बहुत कम लोग यूज़ करते हैं अगर आप स्किन पर फ्रेगरेंस को यूज़ भी करना चाहें तो कोशिश करें थोड़ा सा जो है वो ग्लैसवीन वगैरह या वैसलिन वगैरह अपने वो पल्स पॉइंट्स के ऊपर लगा लें जहां पे आप फ्रेगरेंस लगाते हैं तो उससे फ्रेगरेंस की परफॉर्मेंस जो है ना वो थोड़ी और बेहतर हो जाती है तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है आप इसको जरूर ट्राई करें गिव इट अ ट्राई और विल इनशालाजॉय दिस फ्रेगरेंस इसके साथ इतना ही इनशाला मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फ्रेगरेंस के साथ दुआओं में याद रखिएगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हर वीडियो के नीचे कमेंट किया करें कुछ चीज़ें मुझे बताया करें या कुछ जो मेरे से पूछनी हो वो आप मेरे से पूछ लिया करें और मैं अगर फ्रेग्रेंस को रिव्यू करता हूँ तो मैं कोई बहुत प्रो किस्म का रिव्यूअर नहीं हूँ मैं सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंसिस आपके साथ शेयर करता हूँ तो अगर आप कुछ मुझे बताना चाहें कुछ अपने एक्सपीरियंसिस के बारे में मुझे बताना चाहें तो प्लीज़ लाजमी बताया करें यू आर वेलकम ऑन माई चैनल आप लाजमी बताएँ कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक किया करें मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं दुआओं में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़